सब भ्रांतियाँ फैलाया जा रहा है वो बहुत गलत तरीके से, कि जो अभी कोरोना वायरस का संक्रमण को बिना मतलब का ये चिकन और अंडा के साथ जोड़ा जा रहा है, ठीक है। कहीं कहीं से वो व्हाट्सएप में फेक न्यूज़ भी आ रहा है, लोगों के मन में भी ऐसा भ्रांतियाँ हैं। तो इस संबंध में मैं कुछ बातें स्पष्ट रूप से रखना चाह रहा हूँ, जो साइंटिस्ट के द्वारा कहा जा रहा है तो उसको मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाह रहा हूँ। ये कोरोना वायरस को चिकन, मटन, मछली, अंडा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स है, वो कैरियर्स नहीं है इसका। तो इसको चार एजेंसी ने बताया, उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक है भारतीय ये केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान CARI, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली, वो भारत के जो पोल्ट्री में सबसे बड़ा संस्था है, तो उन्होंने कहा है कि भारतीय पोल्ट्री उत्पाद खाने के लिए सुरक्षित है अभी इस समय में, ठीक है। और दूसरा, भारत सरकार ने भी, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा, पोल्ट्री उत्पादों को कोरोना संक्रमण फैलाने में शामिल नहीं पाया गया, ठीक है। और एक है विश्व स्तरीय संगठन है, OIE कहते हैं हम लोग, वो पशु स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा विशेष विश्व स्तरीय संगठन है। तो चिकन खाने और कोरोना संक्रमण फैलने में कोई संबंध नहीं है, उन्होंने स्पष्ट कहा है। ये OIE कहते हैं, वो पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन, उन्होंने कहा चिकन खाने और कोरोना संक्रमण फैलने में कोई संबंध नहीं है। और चौथा है FSSAI, यानी इसका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो स्वास्थ्य मंत्रालय है भारत सरकार के, तो उसका संगठन है, उसका भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण, भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण, तो ये FSSAI कहते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि चिकन खाने से कोरोना संक्रमण नहीं फैलता है। अभी 5 अप्रैल को अभी FSSAI के चीफ हैं मिस्टर अय्यंगार, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उन्होंने कहा कि ये अंडा, चिकन, मटन, मछली से कोरोना वायरस का कोई संबंध नहीं। तो ये मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, साइंटिस्ट के द्वारा, जो मतलब स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से, उनके द्वारा स्पष्ट किया गया। दूसरी तरफ साइंटिस्ट लोग ने ये भी कह रहे हैं कि जो भारतीय हम लोग खाना खाते हैं तो जनरली हम लोग पका के खाते हैं, जैसे अंडा हो, चिकन हो, मटन हो या मछली हो, पका के खाते हैं तो पकाने में जनरली 100 डिग्री से ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, मतलब यानी उसका बॉयल हो जाता है। और कोई भी हो, मतलब ये मतलब कोरोना वायरस ही नहीं, बल्कि मतलब किसी तरह की वायरस या किसी तरह की बैक्टीरिया, जैसे बर्ड फ्लू का भी बात बीच में आ रही है, तो बर्ड फ्लू हो या कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म 70 डिग्री के टेम्परेचर में वो जीवित नहीं रह सकते हैं। 70 डिग्री सेंटीग्रेड में सभी तरह का ये कीटाणु है या मतलब वायरस है, बैक्टीरिया है, वो सब मर जाता है। इसलिए मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा सरकार की ओर से कि ये अभी कोरोना वायरस संक्रमण की अवधि में, लॉकडाउन की स्थिति में भी अंडा, चिकन, मटन, मछली खाने में कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह सुरक्षित है ये।